का उजाला शामे रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शामे रमजान है, सारे महीनों से है, सारे महीनों से निराला शाने रमजान है, मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, पेशे खिदमत है सेगमेंट बज में कुरान। जी नाजरीन इकराम, आपका खैर मकदम है। और आज बज में कुरान में जो मौजू है वो है कुरान और सब्र की अहमियत। और आज सब्र की अहमियत पर हम बात करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद शाहिद है कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की ताईद है, हिमायत है, कुरान उनके साथ, अल्लाह उनके साथ, साहिब कुरान उनके साथ। सब्र करने वालों की जो जमात है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ऐसे हिमायत फरमाता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। जो सब्र करने वाले जहाँ खड़े हों समझ लें अल्लाह वहाँ है, और जो सब्र करने वालों के खिलाफ खड़े हों जिनकी वजह से उन्हें सब्र करना पड़ रहा हो तो समझ लें कि जालिम का ना अल्लाह साथ देता है ना जालिम के अल्लाह साथ होता है। अच्छा, फिर सब्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में हम समझेंगे उलमाए किराम से, लेकिन ये माह मुबारक भी हमें सब्र को फिजिकली ग्राउंड रियलिटी पे सिखाने, समझाने और इम्प्लीमेंट की शक्ल देने आता है। हमारे सब्र को अगर हम ऑलरेडी साबिर हैं तो हमारे सब्र को मजीद तवाना करने आता है, हमें मजीद एनर्जेटिक करने आता है, स्पिरिचुअल एनर्जी हमें फराहम करता है ये महीना, और हमें सिखाता है सब्र क्या होता है, भूख में सब्र कैसे करना है, प्यास में लोगों को दरगुजर कैसे करना है, किसी बात पर गुस्सा आए तो सब्र कैसे करना है। आज इस पर बात करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के मुमताज उलमाए किराम मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अजम जदी साहब, मुफ्ती अहसन नवीद नियाजी साहब और जनाब क़िबला प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब तशरीफ़ फरमाए। आप तीनों को मैं वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बज़्म कुरान को आप लोगों ने माशाल्लाह शरफ दिया है और ये बज़्म कुरान आप लोगों की वजह से तवाना हो रही है। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अज़म जदी साहब, सब्र कुरान मजीद फुरकान हमीद सब्र के अहकाम से तलकिन से, और सब्र का मैं समझता हूँ हुक्म से बढ़ के हौसला है, कुरान अल्लाह हौसला दे रहा है, तो इस हवाले से जो हिदायत कुरान में मिलती हैं उसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम। सब्र का लुगवी माना सलमान भाई वो है कि अपने आप को रोकना, ठीक है ना, लेकिन वैसे ये बड़ा वसीउल मफहूम है। सही, उसकी वजह यह है कि आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हुक्म दिया, रोज़ों का हुक्म दिया, ज़कात का, हज का हुक्म दिया और दीगर आमाले सालेह भी हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं पर यह नहीं फरमाया कि इन्नल्लाहा मअल मुसल्लीन, कि बेशक अल्लाह नमाज पढ़ने वालों के साथ है, इन्नल्लाहा मअल मुज़क्कीन, ज़कात अदा करने वालों के साथ है, मअल हाजीन, हज करने वालों के साथ है, मअस्साइमीन, रोजा रखने वालों के साथ है, हालांकि बिल यकीन साथ है, साथ है, लेकिन कहीं इजहार नहीं फरमाया, इन्नल्लाहा मअश्शाकिरीन कभी नहीं फरमाया, लेकिन एक चीज जरूर इरशाद फरमाई कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। तो ये सब्र आखिर इतना क्या, मतलब इतना अजीम अमल है, इस सबसे बढ़कर अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मायत इख्तियार फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे क़ुर्ब अता फरमाता है। तो थोड़ा सा इस पर हम गौर करते हैं। कुरान करीम में ये भी है कि वस्साबिरीन फिल बअसा वद्दरा, सब्र करने वाले सख्ती में, मोहताजगी में जो सब्र करने वाले हैं तो उनको मकाम मदह में बयान फरमाया। अच्छा, एक सब्र जो है ना वो ये है कि अपने आप को किसी के साथ वाबस्ता कर लेना और उसकी मईयत इख्तियार कर लेना, ये भी सब्र के माना में आता है। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदउना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदुना वजह, के शख्स तू उनकी संगत इख्तियार कर, उनके दामन करम से वाबस्ता हो जा, फिर इस्तिकामत इख्तियार कर जो सुबह शाम हमें याद करते हैं, हमारा जिक्र करते हैं। अच्छा, सब्र का माना रुक जाना भी है, अपने आप को गुनाहों से रोकना, रोज़ा भी सब्र है, अल इम्साकु अनिल अक्ली व शुर्बी वल जिमाई, खाने पीने नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को रोकना, ये भी सब्र है और इसी सब्र को हम रोज़ा भी कहते हैं। और इसी तरह आप देखें कि नफ्स को ख्वाहिशात से रोकना ये भी सब्र है, अल्लाह ताला के फैसले को मिनवान कबूल करना
बगैर किसी हीलो हुज्जत के किसी और चीज को आड़े ना आने देना, किसी ख्वाहिश को आड़े ना आने देना, ये भी सब्र है। अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, सब कुछ अल्लाह की बारगाह में हमेशा पेश करने के लिए तैयार रहना, उस हर चीज को मद्देनजर रखकर रुकना नहीं बल्कि तैयार रहना, ये भी सब्र है। या अच्छा, फिर सबर करने वाला जब सबर से थोड़ा हट जाए तो रब ताला उसे इस्तिकामत का हुक्म भी देता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु सबिरू वसाबिरू वराबितू, के ईमानदारों सबर करो और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार करो, और फी नफ्सी इस्तिकामत इख्तियार करना ये भी सबर है। तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखें तो फिर नतीजा क्या निकलता है कि जो अल्लाह की मईयत में हो, जो अल्लाह की मईयत में हो अल्लाह ताला उसकी मईयत में है, जो अल्लाह वालों की मईयत में है, जो अल्लाह ताला के आगे हर वक्त सरेंडर करता है, जो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में गुनाहों से बचता है, अपने ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोकता है, इन तमाम चीजों में जो सब्र करता है तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सबर करने वाले। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, सब्र की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डालिए, इरशाद फरमाइए कि इसकी जरूरत और अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मद व आलिही व सहाबी बारक वसल्लम। सब्र की जरूरत और सब्र की अहमियत दोनों पर बहुत अच्छे अंदाज में हमारी रहनुमाई कर रही है कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की ये आयत, कि जिसमें ये फरमाया गया इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, कि सब्र और नमाज से मदद चाहो। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व आला ये फरमाए ईमान वालों को कि तुम सब्र और नमाज से मदद चाहो, तो पता चला कि सब्र जरूरी भी है, कि अल्लाह ये हुक्म दे रहा है कि उससे मदद चाहो। वैसे पता चला कि सब्र की अहमियत कितनी है कि अल्लाह तबारक व तआला जो खालिक व मालिक है वो ये इरशाद फरमा रहा है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो। यानी ये सब्र जो है ये बंदे को अल्लाह के करीब करता है, ये सब्र बंदे को दुनिया के मसाइब से बचाता है, ये सब्र बंदे को अदाबे कब्र से बचाता है, ये सब्र बंदे को नारे दोजख से बचाता है, ये सब्र बंदे को इस दुनिया में भी कामयाब करता है, और यही सब्र बंदे को उस दुनिया में आखरत में भी कामयाब करता है। यानी फलाहे दारैन का के बुनियादी असबाब में से एक है ये सब्र। इस सब्र के बारे में की इतनी अहमियत है, और अहादीस करीमा की तरफ आए, ये तो था रब का फरमान। हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हदीस मुबारक के जामे तिर्मिजी की, जिसमें इरशाद फरमाया कि जिस बंदे पर जुल्म किया जाए और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत में इजाफा फरमाएगा। यानी ये सब्र बंदे को दुनिया में भी इज्जत दिलाता है और ये सब्र बंदे को आखिरत में भी इज्जत दिलाता है। और आप देख लें कि जितने भी साबिरीन गुजरे हैं माजी में भी और जो आज भी मौजूद हैं, तो हमेशा उनका जिक्र अच्छे अल्फाज में ही किया जाता है। जब उनका जिक्र किया जाता है तो जिक्र खैर किया जाता है, उनकी मिसालें दी जाती हैं। सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम का सब्र, सैयदना इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम का सब्र, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सब्र, और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का सब्र, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का सब्र, इमाम हसन मुश्तबा का सब्र। यानी जिस किसी ने भी सब्र किया है नुमाया, तो उसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं और उनका जिक्र खैर किया जाता है। और सही बुखारी के अंदर है, हदीस कुदसी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सरकारी सा तो सलाम ने इस बात को बयान फरमाया कि जिस बंदे से कि मैं बंदा मोमिन की दुनिया में अगर कोई प्यारी चीज ले लूँ और फिर वो उस पर सब्र करे तो उसकी जजा जन्नत के सिवा कुछ और नहीं। यानी के कन्फर्म जन्नती होने की बिशारत अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, जो हम तक पहुंचा रहे हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बुखारी की हदीस, हदीस कुदसी, कि बंदा मोमिन अगर जो है वो चीज़ छिन जाने पर या ज़ाय हो जाने पर, अपने से नेमत ज़ायल हो जाने पर अगर सब्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा पर राजी रहता है, तो अल्लाह ने उसे जन्नत की बिशारत दे दी कि उसकी रजा जन्नत के सिवा कुछ और नहीं। तो सब्र इतना अहम है, तो लिहाजा सब्र करना चाहिए, और सब्र जो है वो इसका दायरा आम है, हर उस चीज से बचना जिससे बचने का शरीयत तकादा कर रही हो और जिससे बचने का अकल तकादा कर रही हो, वो सब्र ही है। जबरदस्त मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब, सब्र के मौके क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ किस किस मकाम पर सब्र लाजिम आता है? इंतहाई खूबसूरत आज माशाल्लाह वेस्टकोट आपने जेबतन किया है, और मैं इसे देख कर सब्र भी कर रहा हूँ और रश्क भी कर रहा हूँ। आपके लिए आप हुक्म? नहीं नहीं हुजूर क़िबला, बस आप पर जेबा है और बहुत खुश लिबास हैं आप। अच्छा, सब्र किस किस मौके पर लाजिम आता है, कहाँ कहाँ सब्र करना? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मौला यसल्ली वसल्लम दायमन अबदा अला हबीबिका
خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و ثنا کے بھائی امدادی صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں اور علامہ صاحب نے جس خوبصورت پیرائے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کی ہے صبر کی, ہمیں ذرا سا معاشرتی مسئلے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مخاطب انسان سے ہے اور انسان معاشرے کا حصہ ہے. صحیح. یہ معاشرہ بے ترتیبی کا, بدعنوانی کا اور کشت و خون کا اور ساتھ ہی ساتھ زوال کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ قرآن کریم نے جو فرمایا ہے کہ لوگوں کو دیکھو, ماضی کو دیکھو, معاشروں کو دیکھو, انسانوں کو دیکھو مختلف مقامات پر, اور اس کے بعد سیرو فی الارض کہہ کر یہ بتلا دیا کہ یہ زمینوں پر صرف گھومنا نہیں ہے, معنی مراد یہ ہے کہ کامیاب لوگ اور ناکام لوگ دیکھو کہ کیسے ہیں. اللہ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرامین ہیں حضور کے اور جو قرآن کریم کی آیات ہیں, جسے قرآن کریم میں ہے نا, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, اور یہ کرتے کرتے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, جب آپ پہنچتے ہیں تو یہ بشارت کن کو ملتی ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ تو زندگی میں کامیاب لوگ وہ ہیں کہ جو نفسیاتی مریض نہ ہوں. اب یہ نفسیاتی مرض کیا ہے؟ یہ بے صبری, جس کو آج کے دور میں سائیکالوجسٹ اور ساتھ ہی ساتھ سائیکو تھراپی کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بیماری معاشرے کی یہ ہے کہ جو شخص جلد بازی کرے اور اپنی باخواہش اور اپنے ارادے کے مطابق نتائج چاہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ تھی کہ ایک پل میں سارا معاشرہ اس عملی اظہاریے کا حصہ بن جائے جس کو اسلام کہتے ہیں, لیکن حضور کو کتنا صبر کرنا پڑا, حضور نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں. طائف ہو تب بھی صبر اور دعا, اور مکے کی فتح ہو تب بھی صبر اور دعا کہ وہاں انتقام نہیں لیا. اور آج کا معاشرہ جو بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہا ہے, جس کو آپ ترقی یافتہ معاشرہ کہہ رہے ہیں, یہ ترقی نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری سے بات کہہ سکتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کا معاشرہ ظاہری طور پر عمارات اور اشیاء کی ترتیب میں ترقی کر گیا, لیکن ترقی معکوس ہے کیونکہ اس میں صبر نظر نہیں آتا, اس میں شکر نظر نہیں آتا, اس میں استقامت نظر نہیں آتی. تو یہ سب چیزیں جب عبث ہو جائیں اور پھر دعویٰ یہ ہو کہ ہم صابرین میں ہمیں بشارت ملے, تو بشارت کیسے ملے گی کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تو تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے, اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ آزمائش سے فرار ہے لیکن کامیابی کا انتظار ہے. بتائیے کیا اچھی بات, آزمائش سے فرار ہیں لیکن کامیابی کا انتظار, کیا جملہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ, صبر کے نظائر اور اس کی مثالیں کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ارشاد فرمائیے. دیکھیں, ایک تو صبر یہ تھا جو مصائب و علام پر صبر ہوتا ہے. بالکل صحیح, ہمارے ہاں عام طور پر اسی کو صبر کہتے ہیں. دیکھیں, ابتدا ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ صبر اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا یہ بھی صبر ہے, نیکیوں پر استقامت اختیار کرنا یہ بھی صبر ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کرنے کا ارادہ رکھنا یہ بھی صبر ہے. تو صبر بڑا وسیع المفہوم ہے, لیکن ہمارے عام طور پر جو مصائب و علام پر صبر کرے بس ٹھیک ہے وہ, یا کسی نے کوئی زیادتی کی, کوئی ظلم کیا, اس سے بدلہ نہ لے, صبر کرے, تو اس سے ہی صبر کہتے ہیں. صبر ایوب جو ہے نا, یہ بڑا مشہور ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے, یعنی سخت بیماری میں آئے, یہاں اتنی بیماری میں آئے کہ سب ساتھ چھوڑ گئے, اولاد انتقال کر گئی, سارا مال جاتا رہا, کوئی آ کر پوچھتا تو وہی تشکر والے کلمات کہ جس کا تھا اس نے لے لیا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ہے. آپ نے کبھی بھی شکوہ شکایت زبان پر آپ نہیں لائے, ایک زوجہ محترمہ موجود تھی, باقی سب ساتھ چھوڑ چکے تھے. پھر یہ آپ کے صبر کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو صحت بھی عطا فرمائی اور پھر مال و دولت دوبارہ پہلے سے زیادہ عطا فرمایا, یہ آپ کا صبر تھا. اسی طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیات طیبہ کو دیکھیں, فرماتے ہیں کہ جتنی اذیت مجھے دی گئی اتنی اذیت اللہ کے راستے میں کسی کو نہیں دی گئی. مکہ مکرمہ سے بالآخر ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر
हिजरत इख्तियार कर लेना, उनसे तंग आकर ताइफ में जाना, वापस आ जाना, दिल में रंजीदगी जो है ना वो आ जाना, अल्लाह की बारगाह में बार बार जो है वो यानी दुआ मांगना कि मौला इनको माइल फरमाए, यहाँ तक के सब्र किया सब्र किया, फज़बिल कमा सबर उलुल अज़्मी मिन रुसुल। लेकिन बिल आखिर फतेह मक्का के मौके पर आपने देखा कि किस तरह हुजूम दर हुजूम, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी फरमाई, लोग गिरोह दर गिरोह आने लगे। और फिर सब्र करने वाला जो है ना सब्र, यानी आप ये देखें मुसीबत आएगी परेशानी आएगी, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइ मिनल खौफि वल जुई वनक्सि मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात, जान का खौफ, औलाद का खौफ, समरात का, माल दौलत का आएगा, आजमाइश आएगी। वबशरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन्हें मुसीबत पहुंचे तो कुछ भी ना करें, कोई शिकवा करने की जरूरत नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका गम भी हल्का फरमाता है और उसे बेहतरीन बदल भी अता फरमाता है। और आखिरी बात कि शिकवा शिकायत करने से कुछ नहीं मिलता, बाज़ुकात पकड़ हो जाती है, सब्र करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन दर्जात को बुलंदी अता फरमाता है। बहुत खूब बात, बहुत खूब बात। एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह होती है आपसे मुलाकात, बज़्मे कुरान में कुरान और सब्र की अहमियत पर हम बात करें। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुफ्ती हसन नबीद नियाजी साहब से मेरा एक सवाल है कि साबरीन यानी सब्र करने वालों के दर्जात जो हैं इस पर भी रोशनी डालें जरा। कुरान हमीद बुरान रशीद इरशाद फरमाते हैं, बशर साबरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उन सब्र करने वालों को बिशारत दो, खुशखबरी दे दो कि जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो उस पर यह कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं, यानी अल्लाह ही का माल हैं हम, और हमें उसी की तरफ लौट के जाना है। हदीस मुबारक में सैयदना मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर जाने आलम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे अपने बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ करवाता है फरिश्तों से, तो फरिश्ते जब कब्ज़ करके आते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि तुमने मेरे बेटे मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली, वो कहते हैं जी या हमारे मालिक, तो अल्लाह फरमाता है, उन्होंने पूछता है इस्तफ़सार फरमाता है कि उसने आगे से क्या कहा, तो वो कहते हैं या अल्लाह उसने तेरी हमद की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। तो इस पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो जिसका नाम है बैतुल हम्द, यानी शुक्राने का घर। यानी हदीस मुबारक में बिशारत दे दी गई, कुरान में बिशारत बयान कर दी गई कि बिशारत दो सब्र करने वालों को, और बिलखसूस जो सब्र करती हो ये अल्फाज कहें। से ये भी पता चला कि सब्र के अंदर हमें जिस भी चीज़ पे सब्र करना है तो साथ ये कलेमात भी कहने हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद सिर्फ किसी की मौत पर यह कलेमात कहना मसनून है, ये सिर्फ किसी की मौत पर कहने के साथ खास नहीं है, मौत हो या और कोई मुसीबत हो, किसी भी मुसीबत पर सब्र करते हुए ये कलेमात कहने चाहिए, इसकी बिशारत है और इस पे अजर मिलता है। और ये कलिमात पे गौर भी करना चाहिए, यानी ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ऐसी ज़बानी कलामी कह दिए, माना पे भी गौर करें कि इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है, यानी हम अफसोस ना करें, अफसोस ना करें कि अल्लाह और अल्लाह पर भरोसा रखें पूरा। और दूसरी बात यह कि सब्र जो है वो हमेशा उस वक्त होता है कि जब मुसीबत आपको पहुंची अव्वल वाहले में, जैसे वो हमारे पंजाब में कहते हैं पहले हल्ले में, अरबी में अव्वल वाहला और वैसे पंजाब में कहते हैं पहले हल्ले में, यानी जिस वक्त मुसीबत पहुंची है उसी वक्त सब्र करना। हदीस मुबारक में फरमाया इन्नम जब तकलीफ पहुंची पहला झटका लगा है उस वक्त सब्र करना, वरना बाद में तो सब्र हर किसी को आ जाता है। यानी हमारे ऐसा होता है ना कि बंदे को मुसीबत पहुंची, सारे जहान में आपने गा दिया कि मुझे ये हो गया ये हो गया, हाय अल्लाह ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और महीनों गुजार दिए, उसके बाद फिर कहते हैं जनाब सब्र ही कर रहे हैं, क्या करें सब्र ही कर सकते हैं। तो ये सब्र नहीं है, सब्र का अजर आप जाया कर चुके। सब्र उस वक्त है कि जब आपको तकलीफ पहुंची उसी वक्त आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, उसी वक्त आपने सब्र का मुजाहरा किया, शिकवा और शिकायत से अपने आप को बचाया, सब्र ये है, ना कि यह कि सब कुछ गा कर और सबको सुनवा कर और उसके बाद फिर आप कहें कि जनाब अब तो जो है वो क्या करें सब्र ही किया जा सकता है। यानी ये सब्र नहीं है, असल सब्र वो है कि आप पहले करेंगे, वरना बाद वाला जो सब्र है ये तो हर किसी को आ जाता है,
अजर का जो तरतुब है वो पहले वाले सब्र ही पर है। और वैसे भी मसायब पे सब्र करना चाहिए। जब बंदे को मुसीबत पहुंचती है, एक बुजुर्ग ने फरमाया तीन हाल से खाली नहीं, या तो उसके गुनाहों की शामत होती है, या फिर उसके गुनाह बख्शे जा रहे होते हैं कफारे सयात होती है, या फिर रफे दराजात होती है, दराजात बुलंद हो रहे होते हैं। मुरीदों ने पूछा, मोतकदी ने पूछा, हुजूर पता कैसे चले गए कौन से वाली है? फरमाया अगर मुसीबत पहुंची और उस पर शिकवा शिकायत कर रहा हो तो समझ जाओ शामत या अमाल है, गुनाहों की सजा मिल रही है। और अगर मुसीबत पर सब्र कर रहा हो तो समझ जाओ कफारे सयात है, गुनाह झड़ रहे हैं। और अगर मुसीबत पर सब्र के साथ साथ शुक्र भी कर रहा हो तो समझ जाओ दराजात बुलंद हो रहे हैं, रफे दराजात। अल्लाह तबारक व तआला में हकीकी साबिर बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब, क़िबला बेसब्री के नुकसानात पे बात करूंगा, जरा दो कॉलर्स हैं होल्ड पर, उन्हें शामिल कर लूँ फिर इंशाल्लाह। क्या नुकसानात हैं बेसब्री के, उसके हवाले से इरशाद फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? मेरे दो सवाल हैं जी, बोलिए। पहला सवाल ये है कि जब अगर हम कहीं दो या तीन दिन के लिए सफर पर चले जाए तो क्या हम पूरी नमाज पढ़ेंगे या नमाज कसर पढ़ेंगे? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, अगर किसी के पास तीन चार तोले सोना है, क्या वो ज़कात अदा करेंगे? अच्छा ठीक है, पहला सवाल समझ नहीं है जी। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल सफर पे दो तीन दिन के चले जाएं तो कसर पड़ेंगे या सफर कितना है? सफर कितना है? सफर दो तीन दिन के लिए मतलब? नहीं, कहाँ जा रहे हैं पता तो चले, फासला बता। लाहौर या कहीं और? रिहाइश कराची में? नहीं, मुल्तान। मुल्तान में? मुल्तान से लाहौर जा रहे हैं अगर, या किसी दूसरे शहर, बताते हैं आपको। अच्छा, दूसरा, दो तीन तोला अगर किसी के पास सोना है, हाँ जी, किसी के पास सोने के अलावा रकम तो नहीं है ना? सोने के अलावा कोई रकम नहीं है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चले इंशाल्लाह बताते हैं आपको। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या सवाल है? जी आपको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आपको भी, आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। जी मुबारक हो, वो भी जी बताइए सवाल। जी सवाल जी, मेरे दो तीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि जो हम चीज रोगों में मतलब बांटते हैं, रोगों में बांटते हैं, तो क्या उसमें से हम खुद भी खा पी सकती हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो जेवर होता है, ये जो अंगूठी या टॉप किस शक्ल में होते हैं, उसी का वजन करवाना होगा क्योंकि इसमें जेवर जो होता है अंगूठी या टॉप की शक्ल में होता है, तो इसमें नगीने भी होते हैं, उसी का वजन करवाना होगा क्योंकि वो खालिस होना तो होता नहीं, खालिस तो होता नहीं। ठीक है, खालिस नहीं होता ना। हाँ जी बिल्कुल, बताते हैं आपको। अच्छा चलें बताते हैं, वो सब उसमें जो वेस्टेज वगैरह का एलिमेंट होता है, सही है जी। एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नौकरी के बारे में पूछना है। पूछिए। सर मेरा नाम चिराग जया है जी, और वालदा का नाम फाखरा जबीर है। अच्छा, सवाल मतलब इस्तखारा चाह रहे हैं गालिबन, तो भाई इस्तखारे का तो सेगमेंट नहीं है माजरत के साथ। आप कोई फिकही सवाल है, शरई सवाल है वो पूछिए, हम असल में आपके सवालात के हल के लिए बैठे, ताकि बहुत सारे लोग जो है वो ये शिकायत करते हैं कि आप अगर उस सेगमेंट में ख्वाब या वज़ाइफ शुरू कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिकही सवाल कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे दो सवाल पूछने थे जी। पूछिए, क्या सवाल है? एक सवाल तो ये है कि मेरे हस्बैंड जरा मेरे साथ मुझे बिहेव करते हैं, तो मैं उसकी अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपनी स्पेशली मदर वगैरह को इसके बारे में बता देती हूँ, तो क्या मुझे सबर करना चाहिए या फिर अगर मैं दिल की भड़ास निकाल दूँ तो, जबकि मेरे हस्बैंड मेरे सामने बैठे होते हैं? सही, ये कह रही है कि वो हस्बैंड के सामने मुझे सबर करना चाहिए, क्या हस्बैंड आप पे शाउट होते हैं, लड़ाई होती है, ये हाइपर हो जाते हैं या वो पैसे वगैरह नहीं देते, तो मैं अपने मैके वालों से पैसे मंगवा के खर्च करती हूँ? अच्छा ठीक है, खर्चा नहीं देते आपको तो, और हाइपर हो जाते हैं? जब मैं उनसे अपने फैमिली मेंबर से पैसे मांगती हूँ तो जाहिर है फिर उनको मेरे हालात का पता चल जाता है। सही, जबकि आप बताना नहीं चाहती, जबकि आप बताना नहीं चाहती। तो आपके शोर काम क्या करते हैं? काम क्या करते हैं आपके शोर? वो उनकी एक गाँव में शॉप है, तो वहाँ पे उनकी फैमिली मेंबर्स भी सारे उनके रहते हैं, शॉप छुट्टी चलती नहीं है, तो फिर मेरे और बच्चों के अखराजात कम ही पूरे करते हैं, ईद पे कपड़े वगैरह भी नहीं बनाते, तो फिर मेरी उनसे ज्यादा लड़ाई हो जाती है। वो जॉइंट बिजनेस होगा ना उनका, फैमिली बिजनेस है मेरा ख्याल, जॉइंट बिजनेस है। ठीक है, नहीं नहीं उनकी बस अकेले है, जॉइंट कोई भी नहीं है उनका, बस उनकी अपनी फैमिली में काफी सिस्टर्स वगैरह है ना, तो वहाँ जाहिर अखराजात उन्हें पूरे करते हैं वहाँ पर, वहाँ भी जी, तो वो उनके अखराजात करते हैं तो हमारे फिर वो बंद कर देते हैं। अच्छा चलिए, ये तो खैर ज्यादती वाली बात है अगर ऐसा ही है जैसा आपने कहा है, तो चले इंशाल्लाह मुफ्ती आने के नाम बताएंगे। जी एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करें फिर जवाब की तरफ आता हूँ, डॉक्टर साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? सबको जुमातुल मुबारक हो, खासकर मुफ्ती साहब को, आपको। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम में कोई 3-4 साल पहले से देख रही हूँ, जब तस्लीम भाई आया करते थे, ठीक है, और उस टाइम मेरी वालदा हयात थी जी जी, अब उनका इंतकाल हो गया 2 साल से, उनकी मफरत के लिए दुआ गो आपसी। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि बेटी को तलाक हुई है और बेटी अपने कजन के साथ शादी करना चाहती है और वो अनमैरिड है, सही? उसके घर वाले अगर ना माने तो मैं रिश्ता देने की हूँ या नहीं, एक तो ये मेरा सवाल है, मतलब लड़के के कहने पे मैं रिश्ता दे सकती हूँ, इसमें दीन क्या कहता है? अच्छा, लड़की के घर वाले अगर राजी नहीं है, ये नहीं लड़की का वालिद, अच्छा लड़के के वालिद राजी नहीं है, अच्छा सही है। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि क्या नाम है उसका, ये जो हम लोग करते हैं इतकाफ, बैठते हैं लेडीज बैठती हैं घरों में, इतकाफ जो करती हैं आवाज जी, उनको अगर मैं गैंग लाइन देती हूँ, अच्छी बात उन्हें करती हूँ, तो क्या ये सबका जारिया में उन्हें आप भी नेकी आप ये कह रही हैं कि आप उन्हें नसीहत करती हैं, उनके साथ बैठती हैं, नसीहत किनको? हाँ दो जो बच्चियां इतकाफ में घरों में खवातीन बैठती हैं, अगर मैं उन्हें नसीहत करूं, अच्छी बात बताऊं, तो ये क्या मेरे सवाब में मेरे हिस्से में आएगा? उनके साथ बैठना अच्छी बात है, ये खुद इतकाफ बैठने के दौरान घर वालों को नसीहत, आप खुद मुतकिफ होती हैं? नहीं, जो बैठे होते हैं, जो बैठे होते हैं उनको जाके, तो कहाँ बैठी होती है, आप कहाँ जाती हैं? ऐसा नहीं है, दीन का सबक सीखने जाती हूँ ना। और दूसरा ये मैंने पूछना था, जब मैंने उस दिन भी ये सवाल किया था कि कुरान पाक हम लोग सुनते हैं, मतलब कुरान पाक का तलावत लगी होती है और हम बहुत गौर से उधर उंगली रख कर आयत पर गौर से दिल में वो उसको पढ़ रहे होते हैं, दिल में जबान से नहीं, आया उसका सवाब भी सबको अपनी अपनी जगह मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एतकाफ वाला सवाल आपने पूछा, तो जो एतकाफ में बैठी होती है खवातीन, आप वहाँ जाती हैं? जी हाँ, मैं सबसे मिलने जाती हूँ, सबके खैर आफियत पता करती हूँ। सवाल जो पूछा था इन्होंने तिलावत वाला, वो क्या पूछा था? तिलावत का, कि टीवी पे तिलावत चल रही है, हम उंगली रख के कुरान पे पढ़ रहे होते हैं? टीवी पे नहीं, टीवी पे नहीं, मोबाइल पे हम लोग तिलावत लगाई और 10-12 औरतें बैठी, 10-12 औरतें बैठी कुरान पे। अच्छा, मेरी बहन जब कुरान करीम में है कि जब आपने कुरान की तिलावत हो रही हो ना, तो उस वक्त खामोश लेकर सुनना चाहिए, सही। जब आपने कोई रिकॉर्डिंग लगाई या खुद लगाई है, हाँ। तो फिर उसको सुने, या मोबाइल पर आपने लगाई तो उसको सुने फिर, हाँ। और खुद ना पढ़े, उसको सुने, सीखने की कोशिश करें, हाँ। तो इंशाल्लाह कुरान ऐसी किताब है कि सुनने का, तिलावत का, देखने का, छूने का, हर एक चीज का सवाब अता फरमाता है कुरान, ठीक है। तो जब सुनना हो तो सुने, और जब पढ़ना हो तो फिर पढ़े। आप वो ये कह रही है कि जब तिलावत चलती है, हम में से कोई नहीं पढ़ता, हम तिलावत को सुनते हैं बगौर, सुनने का सवाब मिलेगा, कुरान पे उंगली रखते हैं और दिल ही दिल में पढ़ते हैं, दिल उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुनना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी जी। मैं एक सवाल टॉपिक से मुतालिक जी, प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब के इस हवाले से सब्र के जो नुकसान थे, मैंने आपसे पूछा था कि इसके नुकसान बंदे को क्या फेस करने पड़ते हैं, बेसब्रे को, जो बेसब्री करता है मामला। सर, मैं बेसब्री, मैंने अर्ज किया था पहले भी कि बजाते खुद ही एक बीमारी है, और जिस तरह से हमारा शबरोज़ का मामूल बन गया है कि हम बगैर बात को समझे हुए बेसब्री से नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं, कोई शख्स बात कर रहा हो, हम पहले ही ये तय कर लेते हैं कि अब ये मुझे बुरा कहने वाला है, और बेसब्री से हम उसका जवाब भी तैयार कर लेते हैं। देखिए, माशरती मसाइल है ना, दीन इस्लाम जो है वो खाली तसव्वुराती बातें नहीं करता, ये हकायक हैं। और ये जो मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि बहुत सारे मसाइल जो हमें नज़र आते हैं कि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ हो रही हैं, भाई क्यों हो रही हैं लड़ाइयाँ? अगर आप बात को पहले तहम्मुल से सुने और समझें, और दूसरा आदमी भी एक बात कह रहा है तो उसको भी समझने की कोशिश करें, और दोनों सब्र का मुजाहरा करके ये समझें कि घर चलाना है, तो तलाक़ें नहीं होंगी। लेकिन हमारे यहाँ बेसब्री में, जल्दबाजी में, और फिर अपने बात को रखने के लिए 100 बातें और कहनी। सर, वो एक अजीम फिलोसोफर ने कहा था ना कि हम बात समझने के लिए नहीं सुनते, या सुनने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। असल में हमारे यहाँ वो मसला क्या होता है, जिसको कहते हैं पर्सनालिटी क्लैश। हर आदमी मुकाबले पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात। और हर आदमी जब मुकाबले पर लगा हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि मुकाबले से मामला ठीक नहीं होता। बिल्कुल सही। अगर आपने ये तय किया है कि किसी बात को समझना है, तो कुरान करीम बेहतरीन नफसियाती तरबियत करने की किताब है। सही। कुरान करीम रूहानी तजर्बात से गुजर कर
हकायक के साथ अपनी जिंदगी को बदलने का नाम है। लेकिन होता क्या है, होता यह कि हमें चीजों को गुजारना है। अब रमजान में अगर हमें ये मालूम है कि रमजान जो है ये इबादत के जरिए, तरबियत के जरिए, सब्र और शुक्र के जरिए आगे बढ़ने का नाम है, लेकिन हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम इसमें भी तजर्बात के साथ साथ अपने मफादात को हम देख रहे होते हैं। सिर्फ हमें जो नेकी करनी है वो रमजान में ही करनी है, बाकी यार रमजान के बाद क्या नेकी का हुक्म नहीं है। सब्र क्या है? सब्र तसलसल के साथ आदत को, जो इंसानी सरिश्ते का हिस्सा है, उसको मुस्बत बनाने का नाम है, मनफी आदत को खत्म करने का नाम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते। मैं देखिए, मैं जानबूझकर कुरान करीम की बहुत सारी आयात को और अहादीस को बयान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अहादीस और कुरान की जो हुजूर की जो सुन्नत है उस पर अगर जाऊँगा तो बात तवील होगी और बात हमें ख़त्म करनी है। जी जी जी। तो इतनी सी बात हम समझ लें कि मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई मसला पूछा, जी जी, उस मसले के लिए फिर हम इंतजार भी कर लें सब्र के साथ कि ये, और दूसरा ये कि हम ये चाहते हैं कि जिस मसले को पूछा है और जो उसका जवाब मैंने सोच कर रखा है जवाब भी वही आए, वरना वो जब तक जवाब नहीं आएगा मुझे सब्र नहीं आएगा। चलें तो इस मसले को खुश रखे आसानी के साथ यूं समझ लें, बहुत खूब, कि बस अल्लाह ताला सब्र वालों के साथ है, बेशक सब्र करते रहिए, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अजान असर का वक्फा है कराची में, अजान असर बराह रास्त दी जा रही है हमारे कराची स्टूडियो से, और मुमताज़ व मोहतरम कारी कुरान कारी नुमान नईमी साहब इंशाल्लाह अजान असर बराह रास्त देंगे। आप लोग समाप्त कीजिए, मिलता हूँ आपसे अजान असर के वक्त। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।